नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इस साथ में क्या है। इनका क्वेश्चन है कि गुरु जी, मैं IAS PCS असिस्टेंट प्रोफेसर सबका इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और इनकी एज है 40 साल। तो अब देखते हैं क्या कुछ दिक्कतें हैं इनके हाथ में, या कब तक पॉसिबिलिटी है कि नौकरी मिल सकती है, या आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती कब तक आएगी। इस सब्जेक्ट पे मैं देखता हूँ इस साथ में क्या है। देखिए, एज काउंट की बात करें, सबसे पहले आपका 10, 20, 30, 40, ये आपका 40 साल एज काउंट हो गया। यहाँ तक आप मान के चलो कि 40 साल एज आ रही है आपकी। और यहीं अगर जीवन रेखा की बात करें, तो सबसे पहले जीवन रेखा की बात करते हैं, तो आप जीवन रेखा देख पा रहे हैं, यहाँ से सीधे होती हुई ये आपका इधर जा रही है, और यहीं एक सपोर्टिंग जीवन लाइन जो है बगल से एक सपोर्टिंग जीवन लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से आप देखिए, ये सपोर्टिंग जीवन लाइन जिसको हम कहते हैं, ये नीचे की तरफ जा रही है। अगर इनकी एज काउंट की बात करें, तो आपका लगभग यहाँ तक आ रहा है, 40 साल के आसपास आ रहा है। तो अब 40 साल एज काउंट की बात करें, सपोर्टिंग लाइन पे आप देख पा रहे हैं, ये सपोर्टिंग लाइन है, दो तीन रेखाएँ नीचे की तरफ है, और ये सीधे इस तरह जाली नुमा बना हुआ है। अगर इस टाइम पीरियड में किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का जाली बना हो, तो ऐसे टाइम पे बड़ा संघर्षमय जीवन होता है। जिस चीज़ में आप लगते हैं, कहीं ना कहीं सफलता करीब से होके गुजर जाती है, लेकिन व्यक्ति उसको जो है प्राप्त नहीं कर पाता। पहली चीज, अगर ये 40 साल एज की बात करें, यहाँ तक आ रहा है, तो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं एक जाली की तरह आपके हाथ में बना होगा। अगर राह क्षेत्र पे इस तरह का साइन हो, तो जीवन रेखा पे इस टाइम पीरियड में व्यक्ति जो है सफलता के करीब जाके भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अब इनका दूसरा सवाल है कि गुरु जी, कब तक जो है अच्छे दिन आएंगे, या फिर कब तक जो है ये बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ आते हैं इसी सपोर्टिंग लाइन पे, क्योंकि जीवन रेखा पे आप देख पा रहे हैं कोई इस तरह की साइन नहीं है जिससे मैं जो है इसको क्लियरिटी या क्लियरिटी करके मैं इसको बता पाऊँ। आपका ये जीवन रेखा, जीवन रेखा पे दूर दूर तक कोई ऐसी साइन नहीं दिख रही जिससे मैं इसको जो है क्लियर करके बता पाऊँ, तो इसलिए मुझे सपोर्टिंग जीवन लाइन पे जाना पड़ेगा। तो आप सपोर्टिंग जीवन लाइन पे आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। आप ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल बना हुआ है और एक प्रोग्रेस लाइन जो कि ऊपर की तरफ जा रही, ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब ध्यान से देखिए, एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे में अगर इस टाइम पीरियड की बात करें, तो अभी मैंने बताया यहाँ तक लगभग 40 साल आ रहा आपका एज, तो अमूमन मान के चलिए 4 से 5 साल के बीच में लगभग जो है, मतलब 4 साल 5 साल के अंदर ही, यूँ कह सकते हैं कि 3 से 4 साल मान लीजिए, लगभग जो है 3 से 4 साल आप मान के चलिए कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे में हो ना हो, अगर आप TGT PGT इस फील्ड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें आपको बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि या फिर आप कोई भी मान लीजिए PCS का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपका सारा चीज़ हो जाए और ज्वाइनिंग में थोड़ा सा लेट हो, ये भी हो सकता है, उसमें भी होने के चांसेज हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं एक बार पुनः बता दूं आपको, अगर 10, 20, 30 और 40 की बात करें, तो मान के चलिए ये गैप आपका 50, लगभग जो है 3 से 4 साल जो भी लगे, तो ऐसे टाइम पीरियड पे आप देख पा रहे हैं प्रोग्रेस लाइन पे एक छोटा सा ट्रायंगल, और ये आपका प्रोग्रेस लाइन जो कि है, ऐसे में कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपके जीवन में। बाकी जीवन रेखा की बात करें, स्पष्ट जीवन रेखा सीधी, और भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी खासी है, और तमाम देखिए शनि पर्वत पे, शनि माउंट पे बात करें, तमाम
सीधी रेखाएं हैं जो कि बुढ़ापे तक आपको जो है बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाता है, ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अर्निंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी एक दो क्वेश्चन और है जिसका मैं जवाब जो है व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। मेन क्वेश्चन आपका यही था आर्थिक दृष्टिकोण से और कब तक बेनिफिट मिल सकता है, इस चीज़ को मैंने वीडियो के माध्यम से बना दिया है। देखिए चांसेज आपके जो हैं, एक बार पुनः बता दूं, ये छोटा सा ट्रायंगल प्रोग्रेस रेखा, तो ऐसे में जो चांसेज हैं आपके, तो मान के चलिए कम से कम 40 साल के, मतलब लगभग 3 से 4 साल में कोई बड़ी जो है मूवमेंट हो सकती है जो कि आपको बेनिफिट दिला सकता है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, अपना प्यार बनाए रखें। अगर कोई क्वेश्चन आपको भी पूछना है, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे कमेंट अवश्य करें, मेरे द्वारा आपको उचित सलाह दिया जाए।